हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। अभी हम लोग क्लास 9th में रियल नंबर एक्सपोनेंट पार्ट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझेंगे। द क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2^1/2 × 3^1/3 × 4^1/4 / 10^-1/5 × 5^3/5 / 3^4/3 × 5^7/5 / 4^-3/5 = 10। तो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि प्रूफ करना है तो लेचिस ले लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर जिनका हम है ना फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ये जिसको छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं उसको लिखेंगे। तो 2^1/2 × 3^1/3, और यहाँ पर देखिए 4 को लिख सकते हैं, 2^2, इसका पावर 1/4 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 10 को लिख सकते हैं, 2 × 5^-1/5 × 5^3/5 है ना। और इस डिवाइड को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2^2, और इसका पावर क्या हो जाएगा, -3/5। और 6 को लिख सकते हैं, 2 × 3, अब डिवाइडेड बाई 3^4/3 × 5^-1/5। ठीक है, अब आगे जाके इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा कि 2^1/2 × 3^1/3 × 2^2 × 2 = 4, तो हो जाएगा 1/2 × ये हो जाएगा 2^-6/5 है ना, 3 × 6 × 2 × 3, और ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2^-1/5 × 5^3 × 5^4/3 × 5^-7/5। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है हम लोगों को, कि सबसे पहले जो 2 2 है ना उसको एक तरफ ले लेते हैं। तो 2 2 को कैसे एक तरफ लेंगे मैं बता रहा हूँ। देखिए 2^1/2, और ये जो है ऊपर चला जाएगा, तो 2^ क्या हो जाएगा, 1/5 × 2^1/2 × 2^-6/5 × 2 है ना। अब इसके बाद 3 को करते हैं, 3^1/3 × 3, और नीचे में देखिए 3 यहाँ पे है, तो 3^-4/3 ये हो जाएगा। और अगर पूरा नीचे से हम लोग ऊपर ले जाएँ तो 5^-1/5 हो गया, 5^-3/5 हो जाएगा, 5^ ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 7/5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग आगे जब सॉल्व करेंगे इसको, तो जो भी सेम सेम है ना उसको ऐड कर देंगे। तो 2^1/2 + 1/5 + 1/2 - 6/5 + 1 ऐसा हो जाएगा, × 2^1/3 + 1 - 4/3 × 5^1/5 - 3/5 + 7/5। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पर अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 + 1/5 + 1/2 - 6/5 + 1/1, तो इसका एलसीएम 10 आ जाएगा, तो हो जाएगा 5 + 2 + 5 - 12 + 10, तो हो जाएगा आपका 22 - 12 / 10 = 10/10 = 1, माने 2 के ऊपर पावर कितना आ गया, 1 आ गया। अब 3 को देखते हैं, तो 1/3 + 1/1 - 4/3, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 1 + 3 - 4 = 4 - 4/3 = 0/3 = 0, तो 3 का पावर 0 आ गया। अब 5th का पावर देखिए, 1/5 - 3/5 + 7/5, तो इसका एलसीएम तो ऑलरेडी 5 ही है ना, तो हो जाएगा 1 - 3 + 7 = 8 - 3/5 = 5/5 = 1। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पुट करेंगे तो 2^1 × 3^0 × 5^1 = 2 × 5, क्योंकि 3^0 1 हो जाएगा, = 10। ये क्या आ गया, RHS आ गया, तो हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस इट इज प्रूव्ड। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।